नजर मौला इमाम हुसैन अलैहि सलाम हज़्बे रिवायत सुप्तैन साहब के ज़ेर एहतमाम माह मुहर्रम अल हराम में नजर इमाम हुसैन अलैहि सलाम की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुल्क के मुख्तलिफ जमातों के MPA और MNAs ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर इस तकरीब और अजीम कुर्बानी की अजमत बयान करते हुए MPA और MNAs का कहना था, बेसिकली ये एक समझें कि एक बहाना भी ऐसा हो जाता है कि जितने शहर की ऐसी शख्सियात हैं उन सब से मुलाकात भी हो जाती है, कुछ खाना पीना भी हो जाता है, कुछ सवाब भी हासिल कर लेते हैं। देखें, बहुत अच्छी बात है, इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर वो तनकीद भी होती है तो उसे तनकीद से ये फ़ायदा होता है कि अगला शख्स जो ज़िम्मेदार होता है वो कुछ काम कर लेता है, कुछ काम रह जाते हैं तो उस काम के अंदर बेहतरी आ जाती है। हर बच्चे को ताक़यामत याद रहेगा कि किस तरह आले रसूल ने जो है वो इस्लाम का परचम बुलंद रखा, कुर्बानियाँ दे के बुलंद रखा, और यही तारीख जो है वो दोहराती ना जाए, वो इसलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और आज इस्लाम जिंदा है तो उन्हीं शहादतों की वजह से जिंदा है और इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। हमारे सप्तन भाई हैं, उनके घर में आज ये मजलिस हुई है, दुआ खैर हुआ है और ये दावत है, बहुत अच्छी दावत रही मालीम की। देखें जी, बहुत अच्छी काविश हैं, बहुत अच्छी चीज़ है जो ऐसी गैदरिंग में आप लोग आते हैं और इसको आपने स्कोप कराया हुआ है, इसको आप कर रहे हैं तो माशाल्लाह आपको तरक्की दे, अल्लाह ताला हमारी दुआएं। ये इस बात की अक्कासी है कि हम एक दूसरे के गमी खुशी में शरीक होते हैं और आज हम आए, जिन्होंने बुलाया उन्होंने भी मोहब्बत का इजहार किया, जो यहाँ आए उन्होंने भी मोहब्बत का इजहार किया, इंशाल्लाह ये रिश्ता कायम रहेगा। आज की जो प्रोग्राम है हलीम के नियाद है, यह हज़रत इमाम हसन और हुसैन की याद में मनाया जाता है, उसी की वजह से इसके अंदर इतना टेस्ट होता है, इतनी बरकत होती है। ये सप्तन भाई माशाल्लाह 20-21-22 साल से हम देख रहे हैं, जब भी आते हैं मुहर्रम में ये एक तकरीब का इतमाम होता है, इसके साथ साथ सारे लोग आते हैं, मिलना मिलाना भी हो जाता है और ज़्यादा एक नियाज़ हुसैन है, इसकी एक अपनी बरकत है, उनकी शहदाओं की कुर्बानियों को याद रखा जाता है इसके अंदर। उसके साथ साथ एक इतनी बड़ी गैदरिंग है, आप देखें इतने सारे लोग आए, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इंतज़ाम किया और मुझे पता चला है कि 22 साल से इस इलाके में यहाँ पर लोगों को जमा करते हैं, चाहे वो ताजर बरदरी हो, पॉलिटिशियंस हों, सबको एक जगह पर जमा करके ये महफिल लगाते हैं। तो मेरी तरफ से सप्तन भाई को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद। देखिए, बड़ा ज़बरदस्त, मैं आजकल देख रहा हूँ कि जिस तरीके से फॉलोइंग बढ़ रही है वॉइस ऑफ कराची की और जिस तरह लोगों की आवाज़, स्पेशली ताजरों की आवाज़ जिस तरह से उठाई जा रही है वॉइस ऑफ कराची के थ्रू, तो मैं देख रहा हूँ आगे बहुत जल्द मुझे सेटेलाइट पर नज़र आ रही हूँ। 22 सालों से की जाने वाली इस तकरीब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों का साल बसाल इजाफा देखा जा रहा है। नजर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकरीब के रूह रवा सप्तन साहब ने वॉइस ऑफ कराची न्यूज से बात करते हुए कहा, ये नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैदान करबला में जो कुर्बानियाँ पेश की थी, ये उसका हम खराज अकीदत पेश करते हैं और हम ये नियाज देते हैं और इसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग इसी तरह जमा होते हैं जिस तरह इस साल जमा है और ये सिलसिला हमारा 22 साल से चल रहा है और इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा। वॉइस ऑफ कराची बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है और जितना हम इनके लिए कहें बहुत कम है।